वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और हमारे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप एक यूट्यूबर हो या कोई भी वीडियो क्रिएटर हो तो आपको जो आप यूट्यूबर हो तो अपने चैनल का नाम लगाते हो, अपने चैनल को इंट्रो लगाते हो तो वो कैसे बनाते हैं। अगर आप वीडियो क्रिएटर हो तो आपका जो आपका चैनल है या आप कोई फोटोशॉप, आपका जो कोई फोटो का शॉप है, तो सारी की सारी दोस्तों आपको इंट्रो कैसे बनाते हैं, 3D होती है, 2D होती है, सारी सारी इंट्रो मैं आपको बनाकर देखा होगा अभी। तो उसके लिए दोस्तों आप कोई भी वीडियो एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। इंट्रो पूरी बनी की बनी हुई है दोस्तों, पर वहाँ पे टेक्स्ट नहीं होती है। तो दोस्तों आपको सिंपल से टेक्स्ट डाल देनी है। तो मैं मेरे फ़ोन में काइन मास्टर वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन में वो ओपन कर लेता हूँ। आपको कोई भी इंट्रो डिज़ाइन नहीं करना है, एकदम सिंपल ट्रिक है दोस्तों, नए यूट्यूबर के लिए बहुत अच्छी ट्रिक है। यहाँ पे वो ऐड कर देता हूँ। दोस्तों मैंने इंट्रो मेरे फ़ोन में पहले डाउनलोड की कर रखी है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं भी इंट्रो ले लेता हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इसको प्ले करके बताता हूँ आपको। ये ब्लैंक है, ठीक है दोस्तों। तो अभी देखिए यहाँ से मैं प्ले करता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका जो चैनल का लोगो होता है वो सिलेक्ट कर लेना है। मैं भी सिलेक्ट करके बताता हूँ आपको, आपने बनाया हुआ होगा अपने चैनल का लोगो। दोस्तों मान लो ये मेरे चैनल का लोगो है, मैं इसको क्रॉप कर देता हूँ पहले। दोस्तों इसको क्रॉप करने के बाद आपको क्या करना है, अगर ये अभी इसको आपने सर्कल में करना है, ठीक है। तो क्रॉपिंग वाले फंक्शन पे आपको सर्कल का मास्क वाला जो फंक्शन मिल जाता है वो आपको शेप वाला, तो यहाँ पे आप सर्कल कोई भी ले सकते हो, ठीक है। मैं सर्कल कर देता हूँ। तो अभी सर्कल फॉर्म में आ चुका है, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पर रख देना है और आपको इसको इन एनिमेशन पर जाना है, वहाँ पर आपको फेड ले लेना है। आप कोई भी ले सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। इस क्लिप में जो सूट होता है दोस्तों आपको वो ले लेना है, ठीक है। मैं अभी पॉप ले लेता हूँ और उसकी जो टाइम कुछ थोड़ा सा लेट कर देता हूँ, ठीक है, मतलब अच्छा दिखने के लिए। अब इसको प्ले करके देखता हूँ। क्या करना है, इधर से कट कर देना है इसको, तब इधर से कट होता है। दोस्तों अगर आपको और डिटेल में जानना हो तो काइन मास्टर के मैं ट्यूटोरियल भी बनाऊंगा आपको, कमेंट बॉक्स में आप मुझे को पूछ लीजिए कि काइन मास्टर से कैसे एडिट करते, तो मैं उसके लिए ट्यूटोरियल बना दूंगा आपके लिए। तो ठीक है, अभी कट हो चुका है यहाँ से, मैं प्ले करके देखते हैं। अभी ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, अपने चैनल का नाम रखना पड़ेगा। जैसे कि मेरे चैनल का नाम मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, वीडियो थोड़ी फास्ट कर देता हूँ पर टाइम वेस्ट ना हो इसलिए। मैंने चैनल का नाम डाल दिया अभी। तो आपको क्या करना है सिंपल से, तो यहाँ पे आपका नाम, तो इसको आप कोई भी टेक्स्ट ले लो आपको जो अच्छी लगती है, मैं अभी ये ले लेता हूँ। उसको आप कलर चूज कर लो, कलर चूज कर लिया यहाँ पे, ग्लो ऑफ कर देना, ठीक है। कुछ इस तरीके से लगा दो, आप चैनल का लोगो भी लगा सकते हो, पर मैं आपको सिंपल से बता रहा हूँ, कुछ सिंपल से बनाने के लिए, ठीक है। तो आपको इन एनिमेशन लगाना पड़ेगा, इसको आउट भी लगाना पड़ेगा, पॉपी लगा देता हूँ, ठीक है, पॉपी बेटर लगता है इस पर। और जो आउट एनिमेशन होता है उसको भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा, हाँ, इसको भी स्केल डाउन कर देते, ठीक है। तो मैं आपको बता के प्ले करके बता, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे आपकी जो क्लिप होती है वो बन जाएगी वेरी सिंपल। तो इसको आपको यहाँ से दोस्तों सिंपल से सेव कर लेना है अपने फ़ोन में। आपको एक ध्यान रखना है, यहाँ से आपको फुल HD में लेना है, जो जितना अपना आपका फ़ोन सपोर्ट करता है उतना, ठीक है। आपको ऐसे एक्सपोर्ट कर लेना है। तो दोस्तों ऐसा सेव हो जाने के बाद आपको इसको कहीं भी आप वीडियो को लगा सकते हो, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो मैं आपको प्ले करके बताता हूँ। आप
पहले हो गया। और अच्छा बनाना होता है और प्रोफेशनल बनाना थोड़ा टाइम लगता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही होगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।